फोटो मेरे दादाजी की थी। तो आपने उन्हीं से सबसे ज्यादा प्रेरणा लिया, इसीलिए आप जब भी स्टार्ट करते हैं हमेशा उनकी फोटो को देख के बजाते हैं, हमेशा। अबे हर किसी का कोई रोल मॉडल होता है आपके करियर में, अपने दादाजी के अलावा किसी और का आप अपना रोल मॉडल मानकर चलते हैं? जयदीप अंकल का। थोड़ा जोर से बोलिए। किसको? जयदीप अंकल। जयदीप अंकल, आपके गानों में देखा गया पुराने गानों को आपने ज़्यादा प्ले किया है, क्या नए गानों में वो मिठास वो मधुरता आप महसूस नहीं करते? करता हूँ। आप क्या पसंद करते हो ज़्यादा, नए गानों को या पुराने गाने? पुराने गाने। उन्हें ही ज़्यादा बजाते हो क्योंकि आपके दादाजी ने आपको वही सिखाया है। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपके? मैं बड़े होकर पियानिस्ट बनना चाहता हूँ। लिम्का जो बुक में आपका नाम आया उसके लिए क्या मतलब आपने कितना एफर्ट किया था? मैंने बहुत एफर्ट किया था। क्या क्या कुछ बताएं? कितनी प्रैक्टिस करते थे, इस टाइप से कुछ बताइए। डेली कितना प्रैक्टिस? डेली मैं एक घंटा प्रैक्टिस करता हूँ और कभी कभी दो घंटे प्रैक्टिस। तो इसके लिए कुछ खास प्रैक्टिस की हो आपने? इसके कौन इसके लिए भी पूरा रन थ्रू करना पड़ता है। आपकी पढ़ाई से अफेक्टेड नहीं होती पढ़ाई? नहीं। दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? दो चीज़ें हैं आपके पास, पढ़ाई भी है पियानो भी है, तो आपको दोनों को ही टाइम देना होता होगा, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं स्कूल से आके पहले पढ़ लेता हूँ फिर शाम को पियानो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आपके दोस्तों के साथ कितना वक्त बिताते हो? बहुत सारे। उनके साथ किस तरह की शरारत करते हो? शरारती तो है। खेलते भी हो या सिर्फ पढ़ाई और पियानो? खेलता हूँ। क्या खेलते हो? टेनिस खेलते हैं। टेनिस। स्टेज पर इतने सब लोगों के सामने परफॉर्म करने में कई बार थोड़ी हिचक नहीं होती? नहीं, लगता नहीं है। जो आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं डर हो या कुछ हो? उसके लिए मेरे को लगता है बेस्ट वे आप यही करते हैं, उनको नहीं देखते आप, फोटो में देखते हैं। नहीं, फोटो में। दादाजी के कुछ टिप्स होंगे? दादाजी के कुछ टिप्स होंगे? दादाजी ने जो आपको कुछ ऐसे टिप्स दिए हों कि पियानो शुरू से करने से पहले इसका नाम लेना या कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसी बातें हैं वो आप हमें बताना? पियानो बजाने से पहले मेरे दादी ने सिखाया कि पहले प्रे करना चाहिए और फिर एक पैर बजानी चाहिए। वो बजवा के देखा भाई? आजकल अभिजीत सावंत, इश्मीत, इस तरह के बड़े नाम है, सारे गामापा, इंडियन आइडल, लेकिन मन नहीं करता कि मेरे पियानो के लिए भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो ताकि मुझे पूरा देश देख सके? करते हैं। उसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं बच्चे? वहाँ तक पहुँचने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? मैं बहुत मेहनत करता हूँ।